हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपिका कार्ड रीडिंग एंड टुडेज क्वेश्चन इज लाइक सीक्रेट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर दैट इज हिडन बिहाइंड द सीन, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दिस रेड कलर ऑफ रबर बैंड एंड द सेकंड ऑप्शन यू हैव दिस ग्रीन कलर ऑफ रबर बैंड. सो चूज एनी वन ऑप्शन, राइट? सो लेट मी बिगन विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन. सो इफ यू चूज द फर्स्ट रेड कलर ऑफ रबर बैंड, सॉरी. So let's see any secret message from your partner. Secret message from your partner. So we have the King of Pentacles, the Moon card, Queen of Wands, Chariot card, and the Ten of Cups. तो यहाँ पे जो सीक्रेट मैसेज है आपके पार्टनर के तरफ से वो ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो. पहली चीज़ जो निकल के आ रही है पाइल नंबर वन के लिए वो ये कि आपके पार्टनर हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, वो आपको बताते ना हो, ठीक है, छुपाते हो कुछ चीज़ें, या तो वो कुछ और छुपाते हैं या फिर वो सिंपली क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को छुपाते हैं और उसे जाहिर नहीं करते. शायद उन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि आप उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, राइट? आप अपने पार्टनर की जो है इमोशनल सेटिस्फेक्शन है और वो आपके साथ जो है घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. आप उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देती हैं. और चैरियट जो कि दिखाता है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में. ये सब जो है उनकी दिल की राज की बातें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं या उनको एक्सप्रेस करनी नहीं आती हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, राइट? और ये क्वीन ऑफ वैंस वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में देखते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, अपना ध्यान रखते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, वट एवर, ठीक है. हो सकता है मोस्ट ऑफ द माई व्यूअर्स जो हैं वो गर्ल्स देख रही हैं, लेकिन आप लड़के भी हैं तो आप किसी ना किसी वे में अपना हेयर स्टाइल सब कुछ टिप टॉप करके रखते होंगे. तो अट्रैक्शन बहुत है आपके पार्टनर को आपके साथ और पैशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. और किंग ऑफ पेंटिकल वो आपके साथ एक स्टेबल लॉयल कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. यहाँ पे किंग और क्वीन आया है इसलिए ये एक परफेक्ट मैचिंग जो है आपको अपने लेवल का देखते हैं. मतलब आप उनके लेवल को जो है स्टैंडर्ड को जो है वो बीट करती है, मतलब परफेक्ट मैचिंग के तौर पे वो आपको देखते हैं अपने साथ, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लव बहुत है, ठीक है. और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, ट्रुथ के बेसिस पे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहता है, कुछ नई फाउंडेशन बनाने के लिए. मैं यहाँ पे इनका जो है नेक्स्ट स्टेप देखना चाहूँगी आपकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर का आपकी तरफ आखिर क्या होगा. पेज ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ मुझे लग रहा है वो आपको अगेन यहाँ पे वो उनको अपने इमोशंस जो हैं वो जाहिर करना नहीं आता, अपने प्लान्स बताने नहीं आते, वो क्या सोचते हैं वो बताना नहीं आता. तो एक जो उनका टेक्स्ट मैसेज आपको आता है शायद वो भी एक अनइमोशनल टाइप का सिंपल सा ही टेक्स्ट मैसेज वो आपको फर्दर करेंगे एंड बट उनको बताना नहीं आता कि कितना ज़्यादा इमोशंस है यहाँ पे, लेकिन वो एक सिंपल वे में टेक्स्ट मैसेज आपको ज़रूर करेंगे. और ये स्टेबल होगा, जो भी वो आपको बोलेंगे वो एक स्टेबल किसी सॉलिड फाउंडेशन पे कोई बात बोलेंगे अगर आपको कोई ऑफर करेंगे तो, ठीक है. किंग ऑफ कप्स अगेन आ गया है, लव की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो किंग ऑफ कप्स होता है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है. तो ये इंसान जो है आपका पार्टनर है वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करता है, कंट्रोल करता है अपने इमोशंस को, बताता नहीं है, उस तरह की कुछ एनर्जी है. एक लास्ट कार्ड लूंगी मैं आपके लिए उनकी नेक्स्ट मूव के लिए. तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये दिखा रहा है क्योंकि आपने रेड पिकआउट किया है रेड कलर, तो ये कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ डर है उनको इस रिलेशन से लेके, या तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इस इंसान को, या फिर किसी ना किसी वे में इस इंसान को डर है किसी बात का, बाउंडेड फील करते हैं आपके सामने ओपन होने हो नहीं पाते, या उनके घर में कुछ ऐसा माहौल है या फैमिली ट्रबल्स की वजह से या कुछ घर से बाउंडेज है, रिस्ट्रिक्शन है
जिसकी वजह से वो नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ जो है उठाते उठाते भी नहीं उठा पाते हैं, राइट। कोई ग्रेट लेवल का यहाँ स्टेप नहीं आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन एक टेक्स्ट यहाँ चैटिंग हो सकती है, आपको एक छोटा ऑफर स्टार्टिंग में दे सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ चांस लेना चाहूँगी पाइल नंबर वन के लिए, क्या आया है आपके लिए। फूडी, हो सकता है आप फूडी हैं या आपका पार्टनर फूडी हो, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं आप, और मेष राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकती है, यहाँ पे कुंभ राशि आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ट्रिक्स्टर, तो ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल, सी इस इंसान को शायद फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जूझना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। डीएफ, इस इंसान की यू नो डिवाइन फेमिनाइन मींस इमोशनल साइड बहुत एक्टिवेटेड है, लेकिन उसे एक्सप्रेसिव नहीं है इमोशंस की, क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं है। डीएफ जो होती है इमोशंस वाली साइड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक्सप्रेसिवनेस उतनी नहीं दिख रही है। इट्स योर डेस्टिनी, वो आपको अपनी डेस्टिनी की तरह देखते हैं, ठीक है। ये छोटी सी रीडिंग थी पाइल नंबर वन वालों के लिए। लेट्स मूव टू पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का रबर बैंड जो है वो चूज किया है। लेट्स सी सीक्रेट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। सीक्रेट मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू, पहला ही कार्ड डेविल कार्ड निकल के आ गया है। ओ माई गॉड, डेविल एंड दी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माई गॉड, पाइल नंबर टू। सो सीक्रेट मैसेज, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। मुझे स्ट्रांगली डेविल और इस तरह का इकट्ठा कॉम्बिनेशन आना फ्रेंड्स, शायद आपका पार्टनर जो है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चीट कर रहा है। पाइल नंबर टू वालों के लिए आपको धोखे में रखा हुआ है आपके पार्टनर ने किसी न किसी वे में, बट हम और कार्ड भी निकालेंगे। किंग ऑफ वैंड, यहाँ अट्रैक्शन ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर टू के लिए। सीक्रेट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, व्हाट इज हिडन। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वन लास्ट कार्ड। फाइव ऑफ कप्स, एक लास्ट और में लूंगी। तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ स्वॉर्ड निकल के आया है। तो सीक्रेट मैसेज मैं आपको बता दूं, टेम्परेंस आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, तो यहाँ मुझे टू कैटेगरीज के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये आप अवेयर होंगे फ्रेंड्स, जिनके बारे में मैं ये बोल रही हूँ, आप इस इंसान ने मतलब पास्ट में भी ऐसी हरकतें की होंगी, झूठ बोला होगा, ठीक है। आप एक बहुत ही, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप बोलें। पहले मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, फिर मैं दूसरा बताऊँगी, ठीक है। तो पाइल नंबर जो पहला सिनेरियो, जो पहला तरह के मेरे व्यूअर्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है ये पास्ट में भी ये इंसान जो है सेम टॉक्सिसिटी दे रहा है, ऑन ऑफ कनेक्शन है, कभी आपकी लाइफ में आता है कभी आपकी लाइफ से जाता है। तो उस तरीके से ये इंसान जो है आपको मैनिपुलेट करता है, या किसी ना तरीके से आपको जो है आपको दुख देता है, हर्ट इसने किया है पास्ट में, ठीक है। थोड़ा टॉक्सिक सा कनेक्शन है, और ये इंसान आगे भी आपको चीट ही करेगा, लिखवा के ले लो, ये इंसान चेंज नहीं होने वाला है, ये चीट ही करेगा, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे टाइप के व्यूअर्स पे, ठीक है। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा लस्ट है, जिन लोगों को पता है कि उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल है, आपको विश्वास है, तो मैं ये जो है ये आपका रनर है, आपके कनेक्शन से कभी कभी ये भागता है। क्यों भागता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये एक कार्मिक कनेक्शन है, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, अट्रैक्शन का जो लेवल है वो बहुत मैग्नेटिक है, कि आप उस दोनों ही जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन और अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ फील करते हैं, जिस मैग्नेटिज्म को आप दोनों को ही ब्रेक करना आप दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन ये इंसान उसी इंटेंसिटी को देख के जो है भाग जाता है, कई बार बीच में से रन आउट कर जाता है। और यहाँ पे लस्ट और अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये किंग ऑफ वैंड्स फिर से जो है पैशन को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, ये आपको देखते हैं, ये तो खुद इस इंसान में इतनी ज़्यादा हो सकता है पैशनेट इंसान हो, ये खुद फायर साइन हो, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा आपकी अपीयरेंस वाइज आपको बहुत ज़्यादा सुंदर देखता है, कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग जो है
स्टार्ट करना चाहता है, लव भी इतना है कि एक तो होता है लिमिटेड वे में, बैलेंस्ड वे में लव, और एक होता है एक्स्ट्रा इमोशंस में जाना, मतलब कि जो चीज़ मतलब एक्सेस में हो जाए, इमोशंस भी जब एक्सेस में हो जाते हैं कि आप यू नो 24 घंटे हर चीज़ की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कि मुझे तो हर वक्त बात करनी है, या उस तरह का ऑब्सेशन, ये जो आपका पार्टनर, पहल नंबर टू, आपका पार्टनर जो कोई भी हो, चाहिए भाग रहा है या नहीं भाग रहा आपसे, या चीट कर रहा नहीं कर रहा, पर अट्रैक्शन का जो लेवल है पहल नंबर टू के लिए वो मतलब एक्सेस में है, उसको कंट्रोल करना यहाँ बहुत टफ हो रहा है आपके पार्टनर के लिए, जो अट्रैक्शन उनकी है आपके लिए, चाहे वो आपको बताएं ना बताएं। एक न्यू शुरुआत वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, और जो इमोशंस भी है, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि अट्रैक्शन है, इमोशंस भी है, और वो इमोशंस भी इतने डीप है ना कि जिनको हैंडल नहीं किया जा सकता। एक होता है बैलेंस्ड वे में लव करना, और एक होता है कि एक्स्ट्रा एक्सेस, यू नो मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ सकते होंगे। तो उस लेवल की जो क्यूरियोसिटी है वो इस इंसान को आपसे है, और आप उनकी विश कम ट्रू हैं, इस बंदे के अकॉर्डिंग आप एकदम जैसा उनको लाइफ पार्टनर चाहिए आप वैसे हैं, आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है उनको, आप में सब कुछ मिलता है, और वो किसी बात को लेकर दुखी भी चल सकते हैं, करंटली किसी बात को लेकर दुखी हैं, अगर वो खुद ही रन आउट करते हैं और खुद ही भाग जाते हैं इस कनेक्शन से, तो ये इंसान खुद भी जो है रिग्रेट करता है। अगर इस इंसान ने पास्ट में आपसे मूव ऑन किया है, भागा है, तब ये दुखी हो रहा है, अब रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजन को लेकर, जो कि आपसे हिडन है, आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जो रियल थिंग है कि लव और जो पैशन और अट्रैक्शन है वो आउट ऑफ द वे है, आपको ये इंसान जो है कभी भूल नहीं सकता, उस लेवल का पागलपन है, जुनून है इस इंसान में, चाहे वो बताए ना बताए, और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं। टू एसीज आए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, राइट, टू एसीज आए हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लव की कमी नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ शायद आएंगे। कुछ लोगों के अगर ये इंसान पास्ट में भाग गया था आपसे, तो अब ये इंसान वापस आने की सोच रहा है, लेकिन बहुत स्लो स्लो जो है ये आपकी तरफ आ रहा है, पर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है ये इंसान आपसे भाग गया है, या आपको ऐसा लगा है कि मैं इसके लायक नहीं था, या ऐसा क्या हो गया जो ये इंसान भाग गया, तो मैं आपको बता दूं आप उनकी नज़रों में बहुत हाई रिगार्ड में हैं, आप उनकी विश कम ट्रू हैं, आप अभी ये इंसान रिग्रेट कर रहा है, यहाँ पे आपके लेवल की कोडिपेंडेंसी तो छोड़िए, इस बंदे को जो इस वक्त कोडिपेंडेंसी जो हिडन है आपसे, इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी जो है वो अटैचमेंट जो है टॉक्सिक वे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है इस इंसान को परेशान करी जा रही है, खाए जा रही है, वो वाली एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है, और ये इंसान डेफिनेटली कुछ नया शुरुआत चाहता है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्टेप, मेरे को लग रहा है 3 महीने तक ये कोई छोट विद इन 3 मंथ्स ये कोई छोटा मोटा स्टेप आपकी तरफ जो है ले सकता है ये इंसान। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस आया है, तो टेम्परेंस आखिर क्या दिखाता है? टेम्परेंस दिखाता है कि जो ये टॉक्सिसिटी है ना, ये जो एक्सेस लेवल का लव है, अट्रैक्शन है, ये इंसान ट्राई कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करने की। इस वक्त ये इंसान ना रिग्रेट कर रहा है पास्ट को, और आप उनकी विश कम ट्रू हैं, और जो एक्सेस ये टॉक्सिसिटी है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इतना इमोशनली क्यों आउट ऑफ बैलेंस जा रहा हूँ, क्योंकि पास में ये बंदा भाग गया था, बट ये इंसान फिर से कोडिपेंडेंसी में आ रहा है आपको लेकर, लेकिन ये फिर भी ट्राई कर रहा है कि मैं इसको हैंडल कर लूँ, बट देखिए कि वो हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, बट मुझे तो यही लग रहा है कि विद इन 3 मंथ्स यू गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में हैं, तो ये इंसान करंटली भी अपनी इमोशंस और लस्ट को जो है आपके लिए काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप उनकी एम्परेंस हैं। सी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, टेम्परेंस, एम्परर, एम्प्रेस। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, वो अपने इमोशंस को, पहले ये इंसान एम्परर नहीं था, पहले नहीं था, पहले चीटर था या रनर था, ठीक है, लेकिन वो आपको देखते हैं इस हाईलाइट में, आप उनके लिए कंप्लीट हैं, जैसे हैं बेस्ट हैं, और वो खुद भी अपने इमोशंस को बैलेंस करके उसी आपके लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। ये मैसेज निकल के आया है, थोड़े से हम चार्म्स ले लेंगे, रिटर्न चार्म्स हैं फ्रेंड्स। तो क्या आया है यहाँ पे, अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला है, अट्रैक्शन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी, या तो ये पास्ट में थी, और ये इंसान अब बैलेंस कर रहा है, अट्रैक्शन की कमी अभी भी नहीं है, मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये अभी तक उस अट्रैक्शन या आपकी तरफ जो इसका झुकाव है उससे बाहर अभी तक नहीं आ पाया है, पर ये ट्राई कर रहा है, ठीक
ठीक है, और एंग्री हो सकता है इस इंसान को थोड़े एंगर इश्यूज हो कुछ लोगों के लिए। और ये नेक्स्ट है हमारा हिडन, क्या लिखा है मैंने, हिडन डिजायर फैंटेसी। सी अट्रैक्शन बहुत है, हिडन फैंटेसी आपके साथ काफ़ी है, मैंने सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, देखिए आप कैसे रेजोनेट हो रहे हैं चार्म्स, और वो आपके साथ इस कनेक्शन को काफ़ी एज ए फ्लेक्सिबल देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर नो है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड यू निकल के आया है, एक्स से मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेक्स भी लग रहा है क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये उन्हीं ख्यालात में खोया रहता है आपका पार्टनर, या ये आपके किसी नेम के लेटर में आ सकता है। और दूसरा यू निकल के आया है, और ये जो यू निकल के आया है ये मुझे यू से यूनियन भी लग रहा है कुछ लोगों की, पॉसिबल है कि आने वाले 2 to 3 months में आपकी यूनियन हो जाए। और ये लास्ट का जो चार्म था वो निकला था एक छोटा सा ये, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये शो करता है अबंडेंस, किसी ना किसी तरीके की कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है और मनी आने वाली है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी रीडिंग, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।